पहले मुंबई एयरपोर्ट पर चार्टर विमान फिसल गया था, बारिश की वजह से रनवे पर फिसला था, स्किड हुआ था। एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस चल रहे हैं इस समय। अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हमारी सहयोगी पूजा वहां पर मौजूद है। पूजा, सुनील ने बताया था 3 लोग घायल हुए हैं, आप क्या स्थिति है, क्या और डिटेल्स मिल पाई हैं आपको? जी निधि, सबसे पहले हम आपको अराइवल, आप देखें ये गेट है, यहाँ की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। और इस वक्त आप देखें किस तरह से और ये गार्ड हमें यहाँ पर रोक रहे हैं ये शूट से, लेकिन आपको दिखा दें थोड़ी जो हलचल है यहाँ पे पैसेंजर्स की। कब से आप लोग यहाँ पर इकट्ठा है, क्या स्टेटस के बारे में जानकारी दी? 2 घंटे से यहाँ पे हूँ, कुछ अंदर से बता नहीं रहे। मेरी दादी आने वाली थी पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि क्यों इतनी डिले हुआ है। हम बहुत वरीड है उस चीज के लिए। और आप लोग कितने देर से यहाँ पर वेट कर रहे हैं? 1 घंटे से। कोई स्टेटस पता है आप? तो डाइवर्ट हुआ। अच्छा निधि, आपको जी बिल्कुल पूजा, मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ जो स्थिति है वहाँ पे। गार्ड रोक रहा है अभी फिलहाल, लेकिन हम देख सकते हैं कि लोग बाहर खड़े हुए हैं, अंदर से फिलहाल कोई जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन अपने आप में ऑपरेशंस चल रहे हैं एयरपोर्ट के। 8 लोग इस विमान में सवार थे, ये एक निजी चार्टर्ड फ्लाइट थी, विशाखापट्टनम से मुंबई आ रही थी। इसमें 6 यात्री थे, 2 क्रू मेंबर्स थे। फिलहाल 3 लोगों को उसमें उस समय सुनील सिंह ने बताया कि अस्पताल ले जाया गया है, औरों को निकालने का सिलसिला जारी है। फिलहाल और डिटेल्स हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, लेकिन बताया जा रहा है ऑपरेशंस चल रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से ये स्थिति बनी है उससे यहाँ गहमी एयरपोर्ट पर है वहाँ।